नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप के बारे में, जो कि जून के महीने में इंडिया में ही खेला जाएगा। टोटल 4 टीम्स खेलेगी इसको और ये कोई ऐसा फ्रेंडली टूर्नामेंट नहीं है जैसा कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था जो इंडिया ने अपने फ्रेंडली टूर्नामेंट खेले थे। ये एक ऑफिशियल टूर्नामेंट है, AIFF इसको होस्ट करेगा और स्पॉन्सर करेगा हीरो। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मगर आगे बढ़ने से पहले, फुटबॉल ट्यूब पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंडियन फुटबॉल टीम पहुंच चुकी है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की प्रिपरेशन करने के लिए। नाउ ये इंटर कॉन्टिनेंटल कप का 3rd एडिशन है जो कि खेला जाएगा भुवनेश्वर में 9 जून से लेकर 18 जून तक। ये 3rd एडिशन है और अगर इसकी सबसे पहले एडिशन की बात करें तो वो इंडिया ने, हमने ही जीता था सबसे पहला एडिशन। लेकिन आप यकीन करेंगे, इसका जो अगला एडिशन हुआ था 2019 में, उसमें हम 4th प्लेस पर आए थे क्योंकि वो जीता था नॉर्थ कोरिया ने। पहला एडिशन जीतने के बाद सीधा अगले ही एडिशन में लास्ट प्लेस पर फिनिश किया था हमने 2019 में, और उसके बाद अब जाकर ये 3rd एडिशन हो रहा है क्योंकि कोविड की वजह से बीच के कुछ एडिशन्स हो नहीं पाए थे। इंडिया के लिए सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले और इंडिया के फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील छेत्री इंटर कॉन्टिनेंटल कप में सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले प्लेयर हैं। जी हाँ, अब तक ये 11 गोल्स कर चुके हैं पिछले 2 एडिशन्स में, और अब अगर इस एडिशन में भी कुछ गोल्स कर लेते हैं तो ये नेचुरली टॉप गोल स्कोरर ही रहेंगे। तो बात कर लेते हैं इस एडिशन के बारे में। तो इसका पहला मैच होगा 9 जून को और फाइनल खेला जाएगा 18 जून को कालिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में, वहां पर ये सारे के सारे मैचेस खेले जाएंगे। टोटल जो 4 टीम्स है इस टूर्नामेंट के लिए वो है इंडिया जो कि होस्ट करेगा, लेबनान, वनुआटो और मंगोलिया। तो इन 4 टीम्स के बीच ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेला जाएगा। अब जानते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होगा, कैसे मैचेस खेले जाएंगे। तो देखिए, सिर्फ 4 ही टीम्स हैं तो 4 टीम्स का एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में राउंड रॉबिन मैचेस खेले जाएंगे। मतलब हर टीम एक एक मैच खेलेगी हर इस ग्रुप में, और जो 2 टॉप की टीम होगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और उन दोनों के बीच फाइनल खेला जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट है। और अब बात करते हैं कि कहां पर आप इस टूर्नामेंट को लाइव देख पाएंगे। तो देखिए, अभी तक तो ऐसी ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है कि कहां पर इसे आप टीवी पर देख सकेंगे या फिर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां पर होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स पर इन मैचेस को लाइव देखा जा सकता है। और अगर स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव होंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो कि इन्हीं का ही एक OTT प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप इन मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। अभी ऐसी कंफर्मेशन आई नहीं है, ये सिर्फ अभी एक्सपेक्टेड है कि ये 2 प्लेटफॉर्म पर आप इन मैचेस को देख पाएंगे। अगर ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और बात करें अगर मैच फिक्सचर्स की, तो इसका पहला मैच होगा बिटवीन लेबनान और वनुआटू। इंडिया का पहला मैच भी 9 जून को ही होगा, लेकिन वो रात 7:30 बजे खेला जाएगा। इनफैक्ट इंडिया के जितने भी मैचेस होंगे वो रात 7:30 बजे ही शुरू होंगे, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइनल होगा 18 जून को। सिंपल सा फॉर्मेट है। और अब बात करते हैं कि कहां पर आप इस टूर्नामेंट को लाइव देख पाएंगे। तो देखिए, अभी तक तो ऐसी ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है कि कहां पर इसे आप टीवी पर देख सकेंगे या फिर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां पर होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स पर इन मैचेस को लाइव देखा जा सकता है। और अगर स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव होंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो कि इन्हीं का ही एक OTT प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप इन मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। अभी ऐसी कंफर्मेशन आई नहीं है, ये सिर्फ अभी एक्सपेक्टेड है कि ये 2 प्लेटफॉर्म पर आप इन मैचेस को देख पाएंगे। अगर ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, सो दैट आपको नई लेटेस्ट वीडियो के बारे में पता चले। बाय द वे, जो एशियन कप का ड्रॉ है वो भी फाइनल हो चुका है और जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे कंफर्म हो चुके हैं, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।